जी बहुत बहुत मालिक भाई, कैसे मालिक कैसे पास हो गए आप जी भाई? पास हो गए हैं। कैसा पड़ रहा टेस्ट? थोड़ा बेहतरीन था भाई, ड्राइविंग टेस्ट अभी हमसे ड्राइव करवाएंगे। ओके अस्सलाम वालेकुम शारजा वालों, पाकिस्तान वालों, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मिशु भाई आ गया जी दोबारा से, आपको 5 से 6 दिन के बाद दोबारा ब्लॉग स्टार्ट करें जी। आज के ब्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। जिसने भी चैनल लाइक को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन दबा के मिशु भाई को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। नाम हमने जी चैनल का चेंज किया, मौसम नौंदा गो की जगह से मिशु भाई थोड़ा चेंज आना चाहिए, तो भाई इसको देखें। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि हमने लाइसेंस के लिए यहाँ पे फाइल ओपन करवा ली है, तो आज हमारा जी यहाँ पे टेस्ट है। पहला स्टेप था फाइल ओपनिंग, आज दूसरा टेस्ट है जी हमारा थ्योरी टेस्ट, तो वहाँ चल रहे हैं अभी जो है। मुझे वो बस पिक करने आ रही स्कूल की, थोड़ा सा बस फास्ते पे वहाँ पे मेन रोड तक चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, तो फिर आपको दिखाते हैं, साथ दीजिएगा। ये हमारी बस आ चुकी है सामने, अब हम इस पर जा रहे हैं और फिर रास्ते में मुलाकात होती है आपसे। ये सामने बस आ गई है, ये हमें स्कूल तक ड्रॉप करेगी, इनकी पिक एंड ड्रॉप है। अभी दो लोग हो रहे हैं और ये हमारा फ्लैट है सामने, मतलब इस बिल्डिंग के पीछे, तो बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि आगे चलते हैं अगली सीट से जाना, वो ब्लॉग भी बनेगा और फिर वीडियो भी अच्छी आएगी, तो बस निकल रहे हैं यहाँ से स्कूल की तरफ। ट्रैफिक दबा दबा है, अभी इतनी ट्रैफिक नहीं है ऑफिसर्स की दुबई जाने के लिए, अभी थोड़ी ही देर में और 10 मिनट तक ट्रैफिक का रश लग जाएगा, क्योंकि टाइम काफ़ी लग सकता है, इसलिए 8:30 का टाइम दिया है। बस स्कूल पहुँच कर फिर जो है वो मुलाकात करते हैं, प्रोसेस दिखाते हैं। जो ड्राइवर इनके पास लिस्ट है जिस बंदे को पिक करना है, जिस जिसको पिक करते हैं उसको कॉल करते हैं, फिर इसका नाम कट जाते हैं। टेस्ट है और 9:50 पे हम लोग पहुंच चुके हैं स्कूल के लिए और बस अब चलते हैं जाके, आधा घंटा पहले पहुंचना होता है, लेकिन ये कि हम पहले ही पहुंच गए और जाके वहां पे वेट करते हैं। ये स्कूल है सामने, हम आगे बस यहाँ पे टेस्ट है, तो ये भी थ्योरी टेस्ट है और अभी देखते हैं कहाँ पे हमारा रूम है। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइल ओपन कैसे होती है, सबसे पहले हमने पिछले ब्लॉग में डाला था फाइल ओपनिंग, उसके बाद हम फाइल ओपन करवा के घर चले गए थे। उसके बाद हुआ ये था कि इन्होंने हमें एक ई लर्निंग का लिंक शेयर कर दिया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और उस पर हमने ई लर्निंग के 8 लेसन्स थे जो कि क्लियर करने थे, पास करने थे, पास किए। उसके बाद हमें फिर एक दोबारा लिंक आया मॉक टेस्ट का, उसको हमने क्लियर किया, 664 क्वेश्चन थे जिसमें से 550 हमने जो है वो क्लियर करने थे। उसके बाद आज हमारा थ्योरी टेस्ट है, उसके लिए हम आ गए हैं और उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। Few inches later, 11 बजे का टेस्ट है, लेकिन उससे पहले भी आधा घंटा पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा कि जी आप इतनी देर प्रैक्टिस करिए, तो बस अभी सब क्वेश्चन हैं, साउंड हैं, वो करते हैं प्रैक्टिस थोड़ी देर तक। हाँ जी, थ्योरी टेस्ट था, थ्योरी टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पास हो चुका है, ये रिजल्ट हैं कुछ, ये क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे जो है हमने एवेल्यूशन टेस्ट करवाना है, उसकी फी पे करेंगे और फिर वो हमें बताएंगे कि जो है आपको थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती है कि आप ऐसे उठ के आए हैं भाई यूँ उठा के, तो अभी बस एवेल्यूशन की फी पे करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताएंगे। एवेल्यूशन टेस्ट के लिए मैं आ गया हूँ और यहाँ पे एवेल्यूशन टेस्ट होगा, तो देखेंगे कितने जो है हम गाड़ी को चला सकते हैं, सारी इनकी गाड़ियाँ पार्क हैं और एवेल्यूशन के लिए मैं बस अब जा रहा हूँ। एवेल्यूशन की गाड़ी है और इसमें भी वो हमसे ड्राइव करवाएंगे। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 3 minutes later, हाँ जी, एवेल्यूशन टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया, अब हम बुकिंग की क्लासेस जो हैं वो बुक करेंगे, फी पे करवाएंगे और फिर बुकिंग क्लासेस लेंगे अपनी, तो बस चलते हैं। A few moments later, स्कूल से फारिग होके अब जो है बस का टाइम था, लेकिन काफ़ी डिले था, तो फिर बाप को रिक्वेस्ट की है, तो भाई आ गया मुझे पिक करने, तो अब यहाँ से जा रहे हैं जी जाइया मॉल। कितना टाइम लग जाएगा? मुलाकात करते हैं, फिर आपको भी करवाते हैं, थोड़ी देर में फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं।
10 minutes later. भाई ने हमें जाइए मॉल ड्रॉप किया है, तो बस चलते हैं अंदर। दोस्त भी सामने आ रहा है, तो कहते हैं आप आ जाओ, तो मैं सामने आ जाता हूँ। अभी देखते हैं कहाँ पे उनसे मुलाकात कर लेते हैं। दोस्त का वेट कर रहे हैं, वो आ रहा है। उतनी देर में हम मैप देखते हैं, मैंने एक दो जगह पे जाना है, तो देख लेते हैं वो कहाँ पे है। दोस्त आ गए हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अभी भी अस्सलाम वालेकुम भाई जान, मुबारक हो, मुबारक हो आपको। जी कैसे मालिक भाई, कैसे मालिक, कैसे पास हो गए आप? जी भाई पास हो गए हैं। कैसा पढ़ रहा टेस्ट? बड़ा बेहतरीन था भाई, तो आई टेंशन नहीं बैठे भाई। आपको पता है आपने बस जो बता दिया था दो दफा तजर्बा, मैंने कहा यार पता नहीं अब क्या होता है। इंग्लिश शुक्र लगा बड़ा बेहतरीन। वो तो देखो वो तो एक डिफरेंट चीज है ना, मैं कहता था प्रैक्टिकल का जो थ्योरी टेस्ट है वो तो इजीली क्लियर करोगे। हां नहीं वो हो गया, बाकी उसके बाद रोड टेस्ट भी क्लियर हो गया। अच्छा रोड टेस्ट क्या? असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट। अच्छा तो क्या कहते हैं? बस वो कहते हैं आप क्लासेस लें, 20 क्लासेस लें, और फिर उसके बाद जो है दोबारा फाइनल टेस्ट होगा। पार्किंग टेस्ट की क्लासेस है ना, 20 क्लासेस। जी कैसे हैं आप भाई? ठीक है ठीक ठाक है। जी भाई क्या है भाई? अपने काम कुम किए हैं, और यहाँ पे जी मेरा एक दोस्त है जो कि मेरे साथ मैट्रिक में पढ़ता होता था राहुल पिंडी में, उसकी कॉल है कि भाई कहाँ हूँ। मैंने कहा जी मैं इस साइड पे हूँ, तो मिलने आया, तो उसको आपसे मिलवाते हैं। ये गाड़ी है जी, और मिलते हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू मैन? ठीक है सर। ऐसे कॉल पे बिजी है तो आप भाई कैसे हैं आप? सर हाउ आर यू, क्या चल रहा है? देखिए हम आपके पास आ गए, हम नहीं आते पाकिस्तान, हमने कहा दुबई चलते हैं। वाह वाह वाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बड़ी सेहत बना ली आपने यहाँ पे। किधर चलना है? आए बैठे हैं आपको चल, बस वो दोस्त हैं इनसे मिले तो फिर निकलते हैं। हाँ जी बस जाइए मॉल से निकले हैं, और अब इमरान साहब को मैंने कहा है कि आज कोई ऐसा देसी खाना खिलाएं कि जिससे पाकिस्तान की याद ताजा हो जाए। तो भाई इमरान भाई अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं देसी पे? यार हम देसी तड़का पे जा रहे हैं। देसी तड़का में जब खाने एंजॉय करेंगे, ना सिर्फ आपको माहौल देसी मिलेगा बल्कि खाने जो है वो टिपिकल खाने हैं। अच्छा, मतलब वहाँ पे फील आएगी पाकिस्तानी खाने की? बिल्कुल सर, आपको 100% फील आएगी। चलें बस वहाँ पे अभी चलते हैं, तो फिर वहाँ जाके कुछ देसी खाने मंगवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आगे तकरीबन ऑलमोस्ट 3-3.5 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे अच्छे वैसे ही कोई पाकिस्तानी रोटी खाई नहीं। वो मैदे शादे की खाई है, उसका मजा नहीं है, लेकिन इमरान भाई कह रहे हैं कि आज वहाँ से आपको खिलाते हैं और वाकई फील करेंगे कि पाकिस्तानी। तो अभी चलते हैं फिर वहाँ पे। A few moments later. ये कनेक्शन हम गए और आज वाकई फील आ रही है कि हम पाकिस्तान बैठे हैं। आपको मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तानी होटल आना है, और मजे आए यार। ये आप रोटी देखें, यकीन करें इतनी कृपया इसकी आवाज़ सुने, वाह ट्राई भी करते हैं और मज़ा आ गया माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, और दाल हमने स्पेशल मंगवाई है पाकिस्तान की याद आने के लिए। मजा आ गया, कोई सही देसी ट्रक होटल लगा। क्या नाम है? देसी तड़का। रोटी बहुत मजे की है, और स्पेशली दाल इनकी बहुत मजे की है। मतलब बिजी होता है ये, तो अभी कोई रश नहीं है, अभी हम ऑफ टाइम पे आए हैं, बिजी टाइम है ना, तो आपको टेबल खाली नहीं देना। शानी वाकई उसके टेस्ट से पता लग रहा है, और रोटी की कड़कनेस देखिए आप। यहाँ पे ज्यादातर रोटी मिलती मैदे की, उसका मजा नहीं आता। ये सही दूसरी आटे की है ना, जिसका मजा बस खाना खाते थे। मिलते हैं आपसे दोबारा। Hours later. तो भाई सुबह की बड़ी थकावट होगी आपके भाई को, जैसा कि आपको पता है सुबह टेस्ट उस दिया है, कोई एनर्जी वेस्ट हुई है, गाड़ी शाड़ी चलाई यूएई में पहली दफा, तो भाई वहां पे थकावट होगी। उसके बाद फिर अचानक से हमारे एक दोस्त जो कि 2003 में मेरे साथ मैट्रिक में था, वो आज हमें अचानक वहाँ पे उसकी कॉल आ गई, उसको पता लगा कि मैं आया हूँ, तो उसने हमें पिक किया, भी बड़ा एंजॉय किया। तो खैर भैया थकावट हो गई है, अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। मिशू भाई को इजाजत दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिशू भाई और अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।